पूजा जी बेला जी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अरे वाह, कल ही हम आपके हुनर की बात कर रहे थे और आप तो पहले से ही टैलेंटेड हैं। ये आपने बनाए हैं? नहीं पूजा जी, ये तो हमारे बाबा ने बचपन में अपने हाथों से बना कर दिया था हमें, और तब से हम हमेशा इन्हें अपने साथ ही रखते, कहीं अलग नहीं करते। तो अब आपको भी ऐसी कई सारी डॉल्स बनानी होंगी। मैं नरेन से बात कर लूंगी, आप हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, और वो भी आज से ही। लेकिन मतलब हमारी जैसी विधवा को सफेद लिबास में अपने आसपास भटकता हुआ कौन देखना चाहेगा? किसी को हमारा वहां रहना अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे ही हम आपके जीवन में बहुत परेशानी ले आ चुके हैं, अब हम आप पर और बोझ नहीं बनना चाहते, हम कहीं नहीं जाएंगे। लीला जी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं आपकी दुविधा समझती हूँ और इसका भी उपाय है मेरे पास। मन कर रहा है तो खा लीजिए, कोई नहीं देख रहा। प्रवीण जी खाइए। पान पसंद आया? ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं ऐसी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा हूं? शाम तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं, चलोगी मेरे साथ पूजा? और हाँ, लाल रंग ही पहनना, तुम पर जचता है। बेला जी, आपको जो भी साड़ी पसंद आए उठा लीजिए। आई पूजा जी, हम बेला जी, आपके मन में उठ रहे सवाल मैं पढ़ सकती हूँ। जिंदगी से किसी के चले जाने का दर्द समझ सकती हूँ मैं, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना बेला जी।
आपको इस तरह बेरंग देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ प्रवीण जी को ही होती होगी। उनके खातिर ही सही, रंग फिर से अपना लीजिए। पूजा, एक मिनट सुनना, मैं अभी आती हूं। आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या कर रही हो तुम पूजा? तुम्हें पता भी है कि कब तक बेला जी एक विधवा होने की सजा ढोती रहेंगी? जो हुआ उसमें एक लड़की की कोई गलती नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लगता है मीटिंग शुरू नहीं हुई अभी तक। माय बैड, मैं तो भूल ही गया कि मेरे सिवा इस कुर्सी का कोई जायज हकदार ही नहीं। नो वरीज, मैं हूं ना ताऊ जी का कंधा बनकर उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सो शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? डेफिनेटली राहुल, पर कंपनी के एमडी के बिना मीटिंग शुरू हो सकती है क्या? सो नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज अस, हमें हमारे इन्वेस्टर्स का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। राइट, एंड आई एम सो सॉरी राहुल, लेकिन तुम्हारी जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है। नाउ विल यू? जेंटलमैन, हमारी टीम इस वक्त बिहार में रिसर्च कर रही है, पर जब तक हम बिहार के लोगों का लाइफस्टाइल नहीं जान पाएंगे, हम उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। So, gentlemen, how was it? कैसा लगा आपको हमारा प्रेजेंटेशन? क्या पलंग तोड़ प्रेजेंटेशन बनाए थे भैया, मजा आ गया। और वो गाना कौन सा था वो? हाय हाय हाय, नैन लड़ जाइए, नैन लड़ जाइए तो मनवा मा कसक होई बे करे, प्रेम का छुटिए पटाका तो धमक होई बे करे। हाय थाई ता थाई ता थाई ता। नरेन, कोई मजाक है ये? अरे नहीं पापा जी, तो बकैती है। बेटर ये तो बहुत बड़ी बकैती हो गई। तो जी हम कह रहे हैं आपको, लगता है नरेन किसी मीटिंग में। आप तब तक यहाँ बैठिए, मैं नरेन को देख कर आती हूँ। आप इधर क्यों बैठे हैं? आइए, मेरे सर के कैबिन में बैठिए। आइए मैम।
आइए बाबा, प्लीज इधर बैठिए। कैसा लगा आपको हमारा प्रेजेंटेशन? आप पलंग तोड़ प्रेजेंटेशन बनाए थे भैया, कोई मजाक है ये? अरे नहीं पापा जी, तो बकैती है। आज शाम तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं, और हाँ लाल रंग ही पहनना। थैंक गॉड पूजा तुम आ गई। पता नहीं यहां मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तुम मुझसे ऐसे दूर मत जाया कर, नहीं तो किसी दिन कुछ बड़ा बवाल हो जाएगा। सुबह ही मैं तुमसे लड़ गया, लेकिन फिर भी तुम लाल ड्रेस पहनकर आए। थैंक यू। पूजा जी का मोबाइल तो यहीं पे रखा। आज शाम तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ पूजा? और हाँ लाल रंग ही पहनना, तुम पर जचता है। जी आपको ये साड़ी पसंद आए? ये रंग तो आप पर खूब जचेगा, ये साड़ी आप रख लीजिए। हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये पूजा की साड़ी क्यों पहनी है तुमने? पूजा तुमने अपनी साड़ी से क्यों दी? क्यों दी? एक दिन तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम अभी के अभी घर जाओ और ये साड़ी चेंज करके आओ। ऐसे को नरेन, नरेन शांत हो जाइए, सब देख रहे हैं। और आप बेला जी को क्यों डांट रहे हैं? और इसमें आपकी भी क्या गलती? नहीं रहा आपको ध्यान? लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था कि इसे ऑफिस से मत निकलो, लेकिन नहीं, अब देखो आज तो उसका पहला ही दिन है। अरे बेला जी का मन लगा रहे इसलिए मैं ही उन्हें ऑफिस लेकर आई थी। फाइन देन, जिसकी जिद है वो ही जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन इससे कह देना मेरी नजरों के सामने भी ना आए, नहीं तो इसके नकली आंसू को पैसे मौका मिल जाएगा। पर आप अपनी जाली भावनाओं को अपने अंदर ही रखें तो बेहतर होगा।
आपके लिए भी और हम सबके लिए बेला जी, क्या है ये सब?